नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक टू टॉपिक हम आपको ये वीडियोस उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें आज है टॉपिक 11 शीत युद्ध के बारे में इसमें बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो नोट्स देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाता है, जिस पर क्लिक करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं जो हमने पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़ाए हुए हैं, या फिर जो ये वन लाइनर सीरीज चल रही है आपकी टॉपिक वाइज, कैसे भी आप इनको देख सकते हैं कभी भी, जब भी चाहें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखिए, शीत युद्ध के बारे में हम इस वीडियो नोट में बात करने वाले हैं। शीत युद्ध शुरू कब हुआ? देखिए, दो विश्व युद्ध हुए, प्रथम और द्वितीय। तो द्वितीय विश्व युद्ध चला 1939 से 1945 तक, 1939 से 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या हुआ? ये शीत युद्ध का प्रारंभ हो गया। ठीक है, युद्ध नहीं, युद्ध जैसा माहौल हमेशा बना रहना शीत युद्ध की विशेषता थी, ये हमें ध्यान में रहना चाहिए। जो शीत युद्ध जो शब्द है, इस शब्द को सबसे पहले प्रयोग किया था बर्नार्ड बारूच ने, नाम ध्यान में रखिएगा, और इसे वाल्टर लिपमैन नामक व्यक्ति ने इसको लोकप्रिय बना दिया था। तो बर्नार्ड बारूच और वाल्टर लिपमैन दोनों का ही नाम आता है शीत युद्ध के शब्द के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर शीत युद्ध के बारे में जो महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न है उनके बारे में हम बारी बारी से बात कर लेंगे। देखिए, शीत युद्ध हुआ क्यों था? द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो अमेरिका के द्वारा जो जापान पर परमाणु बम बरसाए गए थे वो सबके सामने आ गए थे। तो अमेरिका की जो परमाणु बम की गोपनीयता थी वो रूस को समझ में नहीं आई, या फिर कह सकते उसको अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पूरा विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था, एक तरफ यूएसएसआर था, एक तरफ यूएसए था। जो मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया हुआ है शीत युद्ध के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। जो लिंक है आपको, पूरे वीडियोस के लिंक है, उनमें क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। 5-5, 7-7 मिनट के वीडियो नोट है वो, जिसमें सिंपल लैंग्वेज में ही आपको बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो देखिए, एक तो अमेरिका का जो परमाणु बम की गोपनीयता थी वो शीत युद्ध का कारण बनी। ठीक है, दूसरा साम्यवाद का उदय हो गया 1917 में। तो ये ऐसे छोटे मोटे जो कारण थे ये शीत युद्ध के कारण कहलाए और ये उदय हो गया। अब इसमें क्या हुआ, पहला प्रश्न देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व बटा किसमें? दो गुटों में बटा था, दो खेमों में बटा था, हम ऐसे कह सकते हैं। पूरा विश्व ही दो गुटों में बट गया, दो खेमों में बट गया। साम्यवादी खेमे में प्रधान शक्ति कौन था? तो यूएसएसआर था। ठीक है, सोवियत संघ जिसे कहते हैं, वो साम्यवादी खेमे का प्रधान शक्ति थी। दूसरी तरफ पूंजीवादी खेमे में प्रधान शक्ति थी यूएसए। तो ये दो जो गुट थे वो यूएसए और यूएसएसआर, मतलब यूएसएसआर और यूएसए, ये दो गुटों के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व बट गया था। ठीक है, द्विध्रुवीयता यहाँ पर आ गई थी, साफ साफ स्पष्ट विभाजन दिखाई दे रहा था इनकी विचारधारा में, इनकी कार्यशैली में बिल्कुल अंतर यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा था। और इन दोनों के अंदर कंपटीशन हो गया, काफ़ी सभी तरीके से कंपटीशन हो गया, अपने अपने गुट बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपनी तरफ खींचने की प्रतिस्पर्धा हो गई। और उस गुट में नहीं जाने के लिए भारत ने क्या अपनाया था? गुट निरपेक्षता, ये आप सभी को अच्छे से विदित है। ठीक है, अब देखिए, शीत युद्ध की स्थिति क्या थी? तो शीत युद्ध की स्थिति रही दोस्तों हमेशा तनावपूर्ण और टकरावपूर्ण। हमेशा शीत युद्ध की स्थिति ऐसी बनी रहती थी कि कब क्या हो जाए, पता नहीं कब किस देश से क्या हमला हो जाए। तो हमेशा तनावपूर्ण, बहुत टेंशन भरा माहौल रहता था, और टकरावपूर्ण स्थिति रही, मतलब एक तनावपूर्ण और टकरावपूर्ण स्थिति रही थी शीत युद्ध में जो माहौल था उसकी स्थिति के हिसाब से। ठीक है, शीत युद्ध किन दो विचारधाराओं का संघर्ष था? तो साम्यवाद वर्सेज पूंजीवाद का संघर्ष था। साम्यवादी देश चाहते थे कि वो साम्यवादी देश में अनेक देशों को मिलाने लग जाएं, पूंजीवादी देश चाहते थे कि पूंजीवादी देशों के साथ बहुत सारे देश आके मिल जाएं। तो साम्यवादी जो ग्रुप था वो यूएसएसआर का था, पूंजीवादी जो ग्रुप था वो यूएसए का था। जैसा कि यूएसए के ग्रुप का आपको पता होगा कि नाटो उनका संगठन था, एक सैनिक संगठन था, वहीं इसी होड़ में चलकर यूएसएसआर ने भी अपना एक वारसा पैक्ट नाम से एक गुट बना लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 6, वैश्विक स्तर पर तैयार किया गया नाटो सैनिक गुट किसका था? तो यूएसए का था। यूएसएसआर द्वारा तैयार किया गया गुट कौन सा था? वारसा पैक्ट था। ये 1949 में यूएसए के द्वारा तैयार किया गया नाटो, और 1955 में वारसा यूएसएसआर के द्वारा तैयार किया गया गुट था।
अपनी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए लग रहे थे। दोनों ही महाशक्तियां थी ये उस समय पर। तो शीत युद्ध की औपचारिक शुरुआत मानी कहाँ से जाती है? फुलटन भाषण से, ठीक है, फुलटन नगर भाषण से इसकी औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। ये भाषण दिया था चर्चिल ने। तो चर्चिल ने कहा था कि बाल्टिक से लेकर एड्रियाटिक तक यूरोप में एक लोहे की दीवार खड़ी हो चुकी है। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चर्चिल ने जो लोहे की दीवार कही थी वो किसके लिए कही थी, तो बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइए हर एक चीज़ को। सोवियत संघ की तरफ उन्होंने इशारा किया था चर्चिल ने, अमेरिका के कान खोलने के लिए, कि सोवियत संघ नामक दीवार खड़ी हो गई है, एक लोहे की दीवार खड़ी हो चुकी है। कहाँ से? बाल्टिक सागर से लेकर एड्रियाटिक तक यूरोप में, ठीक है। तो उनका संकेत था कि जो साम्यवादी विचारधारा है वो अपने पांव पसार रही है और पूंजीवादी विचारधारा को कड़ी चुनौती देने के लिए ये विचारधारा आ रही है सामने। ये फुलटन नगर भाषण में चर्चिल के द्वारा कहा गया था, इसे ध्यान में रखिएगा। अब डेट भी पूछ ली जाए आपसे कि चर्चिल का फुलटन नगर भाषण या फुलटन भाषण हुआ कब था, तो 5 मार्च 1946 को, 5 मार्च 1946 को चर्चिल का फुलटन नगर भाषण हुआ था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 10। नाटो की स्थापना हुई थी भाई 1949 में, 1949 में अमेरिका ने अपना एक सैनिक गुट तैयार कर लिया था नाटो, जिसमें ये कहा गया था कि भाई एक पर आक्रमण मतलब सब पर आक्रमण, हम सभी मिलकर सामना करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा जब उन्होंने अपना एक संगठन बनाया नाटो। 1949 में ब्रुसेल्स की संधि के द्वारा ये संगठन स्थापित हुआ था, एक सैन्य संगठन था, ठीक है। अब इस सैन्य संगठन की विशेषता क्या है कि ये शीत युद्ध समाप्त होने के बाद भी बना हुआ है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वारसा पैक्ट जो यूएसएसआर का संगठन था ये 1955 में बना था, 1955 में, ठीक है, वारसा पैक्ट बना था 1955 में, 1955 में। साम्यवादी गुट का नेतृत्व जो सोवियत संघ कर रहा था उसके खेमे में जिन जिन देशों को मिलना था उनको मिला लिया गया और उसको मिलाकर ये बना दिया गया। अब इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ये है कि जैसे ही शीत युद्ध समाप्त हुआ, यूएसएसआर का बंटवारा हुआ, यूएसएसआर के टुकड़े हुए, 15 खेमों में बट गया, तो तभी ये वारसा पैक्ट भी वहीं की वहीं समाप्त हो गया। इन दोनों में ये अंतर है, नाटो और वारसा में। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 12। पूछा जा सकता है कि नाटो का पूरा नाम क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखिए नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय है। कोरिया संकट के समय दक्षिणी कोरिया का साथ किसने दिया था? यूएसए ने दिया था दक्षिणी कोरिया का साथ। प्रश्न बदल देता हूँ यहाँ पर, कोरिया संकट के समय उत्तरी कोरिया का साथ किसने दिया था, तो यूएसएसआर और चीन जो साम्यवादी खेमे थे उन्होंने दिया था। वहीं यूएसए ने दक्षिणी कोरिया का साथ दिया था जब कोरिया संकट खड़ा हुआ था, ठीक है। इस चीज़ को बिल्कुल भी मतलब इनको बस ऐसे ही ध्यान में रखते जाइए, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, परीक्षा में कैसे भी करके ध्यान आ जाए, बस यही हमें ध्यान में होना चाहिए कि परीक्षा में कैसे भी करके हमें चीज़ें ध्यान में आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए यूएसएसआर का विभाजन कब हुआ, तो 1991 में, 1991 में यूएसएसआर 15 टुकड़ों में टूट गया। यूएसएसआर के टुकड़े होने से शीत युद्ध और द्वितांत की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल वहीं की वहीं समाप्त हो गई। साथ ही पूरे विश्व में केवल एक महाशक्ति यानी एक ध्रुवीय विश्व हो गया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा में देश आते जा रहे हैं, चीन है, रूस है, भारत है, तो ऐसे बड़ी जो जनसंख्या वाली दृष्टि वाले देश हैं, जैसे जैसे आते जा रहे हैं फिर से एक ध्रुवीयता से देश विदेश पूरे विश्व में व्यवस्था बहुध्रुवीयता की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 16। यूएसएसआर विभाजन के साथ ही किस वैश्विक गुट का अंत हो गया, तो वारसा का अंत हो गया था जो 1955 में बना था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व था द्विध्रुवीय, बिल्कुल प्रश्न को ध्यान से समझते जाइए कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब समाप्त हुआ तो पूरे विश्व में दो ही महाशक्तियां बची थी, दो पोल बन गए थे, एक तो अमेरिका दूसरी तरफ सोवियत संघ यानी यूएसएसआर और यूएसए, तो द्विध्रुवीय स्थिति थी। क्यूबा संकट 1962 के बाद
विश्व में कौन सा समय चल रहा था? तो वो चल रहा था दोस्तों दितांत काल। क्यूबा संकट के बाद में पूरे विश्व में एक दितांत, मतलब शांति की व्यवस्था, या फिर हम इसे कह सकते हैं जो तनाव था, जो टेंशन थी शीत युद्ध की, वो यहाँ पर ढीली पड़ गई, कम हो गई, शिथिलता आ गई। ठीक है, तो ये दितांत है। क्यूबा संकट के बाद में ये कुछ साल निकले। अब वो दितांत की अवधि कौन सी है, शिथिलता की, तनाव शैथिल्य अवधि कौन सी है, ध्यान में रखिएगा 1962 to 1978। इसके बाद में फिर से द्वितीय शीत युद्ध की तरफ विश्व बढ़ चुका था। ठीक है, ये अवधि इतनी सीमित क्यों है, क्योंकि इसके बाद में फिर ऐसी घटनाएं होने लगी कि विश्व द्वितीय शीत युद्ध की तरफ बढ़ने लग गया। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 20, नक्षत्रीय युद्ध या स्टार वार की बात किसने कही थी? तो यूएसए के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने नक्षत्रीय युद्ध या स्टार वार की बात कही थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए प्रश्न ऐसे कैसे पूछा जाएगा या मिलान प्रश्न में, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर इन प्रश्नों का अध्ययन करते जाना है। कैंप डेविड भावना में सोवियत प्रधानमंत्री कौन थे? तो ख्रुश्चेव थे सोवियत प्रधानमंत्री, और अमेरिका की तरफ से कौन थे? आइजनहावर। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, कैंप डेविड भावना में, कैंप डेविड वार्ता में सोवियत संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? ख्रुश्चेव थे। तो कैसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न, मेरा तो मेरी तो जो कोशिश है वो यही है कि आपको एकदम अलग तरीके से तैयार किया जाए, ताकि कभी भी कैसे भी प्रश्न आए तो हम उसके लिए तैयार रहें। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो दितांत की अवधि जब समाप्त हुई तो नव शीत युद्ध या द्वितीय शीत युद्ध यहाँ पर शुरू हो जाता है, या कह सकते हैं कि शीत युद्ध का यहाँ पर एक तरीके से तीसरा चरण शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो शीत युद्ध था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, फिर दितांत की अवस्था आई, और फिर ये शीत युद्ध दोबारा से शुरू हो गया। अब शीत युद्ध और नव शीत युद्ध में अंतर क्या था, जो 1979 से शुरू हुआ 78 के बाद में, इसमें अंतर क्या था? इसमें जो विचारधाराओं के बीच में ये युद्ध नहीं था, ये सीधा सीधा दो महाशक्तियों के बीच में था। ठीक है, साम्यवादी और पूंजीवादी विचारधारा दूर रह गए, जबकि यहाँ पर आमने सामने खड़े कौन हो गए? यूएसएसआर और यूएसए। ठीक है, पहले चरण की शुरुआत शीत युद्ध की यूरोप से हुई थी, जबकि इस काल की, इस शीत युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अफगानिस्तान से हुई थी। तो ऐसे कुछ छोटे मोटे अंतर है जिनको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो कैम्प डेविड भावना हो गई। नेक्स्ट देखिए, U2 विमान घटना कब की थी? तो 1960 की थी U2 विमान घटना, ध्यान में रखिएगा। सीटो 1954 में, इसका दूसरा नाम क्या था? तो मनाली संधि इसका दूसरा नाम था। सीटो का दूसरा नाम क्या था? मनाली संधि भी इसको कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपके लिए एक यहाँ पे प्रश्न छोड़ता हूँ। छोटा सा प्रश्न ये है कि जो U2 विमान घटना थी, इसमें बस आपको एक लाइन लिखनी है कि किसका विमान था और किसकी सीमा में पकड़ा गया था। ठीक है, किसका तो विमान था और किसकी सीमा में पकड़ा गया था U2 विमान घटना। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आता रहता है। तो ये बिल्कुल जासूसी विमान था, खुफिया विमान था। ये किस देश का तो विमान था और किस देश की जासूसी करता हुआ ये पकड़ा गया था? आप कमेंट करेंगे, मुझे पूरा पूरा भरोसा है आपके ऊपर कि आप मेरे इस प्यारे छोटे से सवाल का जरूर जवाब देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे यहाँ पर शीत युद्ध से संबंधित। अब शीत युद्ध का अंत की बात यदि मैं करूँ तो शीत युद्ध का अंत कहाँ हो जाता है? शीत युद्ध का अंत हो जाता है 1991 में, 1991 में, जब रूस का या सोवियत संघ के जब टुकड़े हो जाते हैं, 15 टुकड़े हो जाते हैं, वो एक जगह नहीं रुक पाता है, तो फिर शीत युद्ध का अंत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ प्रश्न थे आपके लिए जो महत्वपूर्ण लगे मुझे आपको बताने, मैंने आपको बताए। यदि वीडियो नोट आपको पसंद आता है तो शेयर करके जरूर जाइएगा, लाइक तो आप करते ही हैं, और मैंने जो सवाल पूछा है हो सके तो जवाब दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। PDF आज शाम को आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। यदि चैनल नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और बस मैं वहाँ पर PDF सेंड करने वाला हूँ। आज शाम को आपको PDF मिल जाएंगी, लगभग आज तक की PDF मैं सेंड कर दूंगा, ये जो 11 टॉपिक हो गए हैं इनकी। तो वीडियो नोट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।